नमस्कार दोस्तों, आज 2 जनवरी 2023 नया साल बीत के एक दिन हो गया। नए साल का दिन बहुत बिजी रहा तो आप लोगों को मैं नए साल की बधाई नहीं दे सका। तो आप सबको नए साल का बहुत बहुत बधाई हो और बहुत सी शुभकामनाएं। नया साल आपके लिए बहुत ही अच्छा जाए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं नई नई कहानियाँ आपको सुनाते रहता हूँ और इन कहानियों का लोगों पे असर होता है, लोगों पे असर होना भी चाहिए। हो सकता है कि अगर इसे कोई सीरियसली नहीं लेता हो, लेकिन मैं अपना काम करते रहता हूँ क्योंकि ये कहानियाँ सुना के लोगों पे असर हो ना हो, मुझ पर तो असर हो ही जाता है। तो दोस्तों, आज मैं एक कहानी एक ऐसे आदमी की लेके आया हूँ जो कि व्यापारी था, पक्षी विक्रेता था, पक्षियों को पकड़ता और उसको बेचता। तो उसके मन में हमेशा एक ये सवाल आते रहता था कि इन पक्षियों को जिनको मैं बेचता हूँ, जिन घरों में लेके बेचता हूँ, उन घरों का इनके ऊपर क्या असर पड़ता है। मैं एक साधु को भी बेचता हूँ, मैं एक कसाई को बेचता हूँ, मैं एक बनिया को बेचता हूँ, मैं एक घरेलू व्यक्ति को बेचता हूँ, मैं चोर को, डकैत को, उल्लू को, सभी को बेचता हूँ, तो इन पक्षियों के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। तो उसने जानबूझकर दो तोतों को ऐसे लोगों को दिया जो एकदम विपरीत है। पहले तोता को एक साधु को बेचा और दूसरे तोता को एक कसाई के हाथ बेचा, और साल भर के बाद फिर उन्हीं घरों में गया और देखा कि उन तोतों की आदत क्या है और वह कैसे रहते हैं। तो जैसे ही वह साधु के घर में गया तो तोता ने उसे देखते ही पहचान लिया, कहा, आइए आइए महाशय, आपका स्वागत है, आप ही के कारण मैं इतनी अच्छी जगह पे पहुंच गया। साधु महाराज नहीं है, आप बैठिए, आपके लिए मैं क्या लाऊं, आप क्या नाश्ता करेंगे। और उसने अच्छे अच्छे मंत्र सुनाए, उसका मन बहुत खुश हो गया और उसने कहा, नहीं, मुझे अगर महात्मा आज नहीं है तो मैं फिर कहूँ आऊँगा, कभी आऊँगा। और वह कह के चल दिया। फिर उसके बाद वह व्यापारी जो तोता बेचता था वह गया उस कसाई के घर पे जहाँ पे उसने दूसरा तोता बेचा था, और उस तोते के पास जाते ही वह तोता उसे देख के पहचान गया, बोला, अरे कमीने, तू आ गया, तेरे कारण ही तो मैं यहाँ हूँ, तेरा अब तू आया है तो हमारा तो काम ही है गला काटना। पहले तेरे गला काटा जाएगा और तेरे मांस को बेच दिया जाएगा, तब जाके हमें ठंडा, हमारे कलेजे को ठंडक लगेगी और बहुत मज़ा आएगा। यह सुन के वो वहाँ से भाग आया। तो दोस्तों, कहानी सुनाने का मतलब यह है कि आप वही हो, आप जिसके संगत में रहते हो आप वही सीखोगे और वही आपके जीवन पे होगा। तो इसीलिए कहा गया है कि मैन इज ए एवरेज ऑफ सम ऑफ हिज फाइव फ्रेंड। आप अपने 5 दोस्तों को अगर मेरे पास लाएं और उन 5 दोस्तों को मैं देख लूं तो मैं पहचान जाऊंगा कि आप किस तरफ के आदमी हो, क्योंकि आप वही होगे जो इन 5 दोस्तों के योग का, यानी इन 5 दोस्तों को जोड़ दिया जाए और उसका औसत निकाला जाए, एवरेज निकाला जाए, तो आप क्या हो यह पता चल जाएगा। इसलिए दोस्तों, हमेशा अगर आप दोस्ती करते हो तो दोस्ती अच्छे लोगों से कीजिए, अपने बड़े लोगों से कीजिए। अपने बड़े लोगों का मतलब ये नहीं है कि आप अपने ज़्यादा पैसे वालों से कीजिए, अच्छे शिक्षित आदमी से कीजिए, अच्छे सामाजिक आदमी से कीजिए, अच्छे बुद्धिमान आदमी से कीजिए। अगर पैसे वाला भी है तो पैसे वाला बुरा होता है, ये हमारी समझ ही पहले निकाल दीजिए, क्योंकि उसने पैसे कमाने के लिए उसने अच्छी बुद्धि का उपयोग किया है, अच्छे मेहनत का उपयोग किया है। तो उसे इसके साथ रहकर हम ये सीख जाएंगे कि हमें आगे क्या करना है, क्या जानना है। तो अगर आप अपने ही जैसे दोस्तों से दोस्ती करेंगे, तो अगर 5 असफल लोगों के साथ रह के आप कभी 5 सफल नहीं बन सकते। इसलिए हमेशा अपने से ऊपर और सफल लोगों से दोस्ती करते रहिए, आप दिन रात प्रगति करते रह जाएंगे। अगर आप जैसा साथ देते हो ऐसे ही बनते हो। अगर आप कहते हैं कि संगत से होत गुण होत है, संगत से गुण जात, आप जैसे संगत में रहोगे वैसे ही आपका गुण हो जाएगा और वही आपके ऊपर दिखाई देने लगेगा। भले कोई कितना भी कहे कि चंदन विश्वव्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग, सांप चंदन पे लपटे रहते हैं लेकिन चंदन में विष नहीं जाता है, लेकिन ऐसा हर कोई नहीं हो सकता। कोई साधु महात्मा होता है जिसके ऊपर संगत का असर नहीं होता, लेकिन आम आदमी के ऊपर संगत का असर होता ही है। इसलिए अच्छी संगत करो,
संगत इत्र बेचने वालों की तरह है। अगर आप इत्र बेचने वाले की संगत करेंगे तो आपको कुछ नहीं देगा, लेकिन उसके साथ रहने से आपको महक मिलेगी। अगर आप ज्ञानी आदमियों का संगत करोगे तो आपको ज्ञान मिलेगा। अगर आप बिजनेसमैन का साथ करोगे तो आपको यह पता चलेगा बिजनेस कैसे किया जाता है। अगर आप बुद्धिमान आदमियों का साथ लोगे तो आपको पता चलेगा कि आदमी बुद्धिमान कैसे हो। तो दोस्तों, साथ नए साल में आप इस बात को पकड़ लीजिए कि आप अच्छा साथ कैसे मिलेगा, आपके दोस्त कौन हैं, वह दोस्त कितने सफल हैं या उनकी आदतें क्या है। तो आप कहीं उनकी आदतें तो नहीं सीख रहे हैं? दोस्तों, मैंने भी यह बात तो अब सीखी है ना, पहले मैं भी अपने दोस्तों के साथ सिगरेट बहुत पीता था, तो दोस्तों से सीखा था। फिर मेरे कुछ ऐसे दोस्त लोग मिले जिन्होंने सिगरेट पीते नहीं थे, सिगरेट उनके लिए बहुत बुरा था, और उनको देख देख के मेरे मन में भी इच्छा हुई कि मैं सिगरेट पीना छोड़ दूँ। अचानक एक दिन मैं सिस्टर शिवानी का टीवी पे एक वीडियो देख रहा था जिसमें उन्होंने बताया कि सिगरेट छोड़ना कितना आसान है, और उन्होंने जो बातें बताई मेरे दिमाग के अंदर जब वो घुस गया, उसके बाद से मैं, वो भले टीवी पे थी, उनका संगत मुझे मिला, उनका विचार मुझे मिला, और उनका विचार मेरे दिमाग में घुस गया और मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया। ऐसे बहुत से लोग हैं जो संगत मिलने के बाद बहुत अच्छे अच्छे रास्ते पे चले जाते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी हम यहीं ख़त्म करते हैं और आपको बताते हैं कि अगर जीवन में प्रोग्रेस करना है तो अच्छी दोस्ती करो, अच्छी संगत करो। अगर संगत आपका अच्छा है तो आपका भी अच्छा होगा। तो 2023 का ये सब लोग रिजोल्यूशन करते हैं कि मैं शराब छोड़ दूंगा, मैं सिगरेट छोड़ दूंगा, मैं बुरी आदतें छोड़ दूंगा। आप ये रिजोल्यूशन करिए, लेकिन एक रिजोल्यूशन और कीजिए कि मैं अच्छे से दोस्ती करूँगा, अपने ऊपर वाले से दोस्ती करूँगा, अपने से बुद्धिमान से दोस्ती करूँगा। तो यह लोगों का संगत का असर यह होगा कि 2023 में आपका जीवन बहुत ही उन्नत और प्रगतिशील होगा। एक बार फिर नए साल की बधाई के साथ यह वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा और आप इसे लाइक करोगे। धन्यवाद।